शांति आज की क्लास को हम कल की क्लास जो हमने करी थी अबाउट प्रोटेक्टिंग द कैसल ऑफ स्थिति स्थिति एक ऐसा कैसल है एक ऐसा किला है जिससे हमें प्रोटेक्ट करना है और अगर वो हमारे पास कायम रहती है स्थिति अगर श्रेष्ठ स्थिति हमारे साथ में जुड़ी रहती है और हम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस श्रेष्ठ स्थिति के आधार से हमें वो हर एक बात समझ में आती रहेगी जिसको यूज करके हम माया के ऊपर विजयी बन सकते हैं श्रेष्ठ स्थिति ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हमें बाबा से टचिंग मिलती है लेकिन जैसा कि कल डिस्कस किया कि लड़ते लड़ते कई बार हम इतनी बिजी हो जाते हैं हमारी इंटेलेक्ट हमारी बुद्धि इतनी बिजी हो जाती है चीजों में स्थिति का हम ध्यान नहीं रखते हैं। जिसमें कल बताया कि एक तरीका है जिससे कि हम एक पुरुषार्थ है जो कि हम कर सकते हैं वो था कि बुद्धि रूपी आंख का इस्तेमाल करना और इन दो आंखों को बुद्धि रूपी आंख के द्वारा चलाना बुद्धि से देखना और फिर इन आँखों को वही देखने के लिए ट्रेन करना जो बुद्धि कह रही है बुद्धि कैसे देखेगी वो रोज हमें मूल्यों के द्वारा बाबा की मुरलीज अव्यक्तवाणी के थ्रू हमें पता चलता रहता है कि हमें कैसी ज्ञान रूपी दृष्टि ज्ञान रूपी दृष्टि किसी भी आत्मा के प्रति रखनी है जैसे कई सारी बातें होती है बाबा कहते हैं अगर सामने कचरा पड़ा है तो कचरा नहीं कचरे को थोड़ी घर ले आते हैं उसे किनारा करके साइड हो लेते हैं तो अगर किसी के अंदर बहुत अवगुण है तो अवगुण को ना देख करके हम गुण देखे विशेषताएं देखें ये सब प्रैक्टिस की बात है इट इज नॉट कि ये प्रालब्ध नहीं है हमें बहुत जरूरी बात आज समझने की है वो ये है कि कि जो भी बातें यहाँ पर बाबा हमें बता रहा है ये पुरुषार्थ की बातें हैं पुरुषार्थ मीनिंग प्रैक्टिस की बातें हैं ये प्रलब्ध की बात नहीं है इट इज नॉट अ रिटर्न ऐसा नहीं है कि हमें बैठे बैठे किसी की भी विशेषता दिखने लग जाएगी नहीं विशेषता देखने की हमें मेहनत करनी पड़ेगी अच्छाई देखने की हमें मेहनत करनी पड़ेगी हर घड़ी बाबा को याद करने की हमें मेहनत करनी पड़ेगी ज्ञान को यूज करने की हमें मेहनत करनी पड़ेगी इट इज नॉट कि वो आपको या मुझे सहजता से प्राप्त होगा हमें तीसरी आंख को फ्लेक्स करना है उसकी एक्सरसाइज करानी है बुद्धि की एक्सरसाइज करानी है और उसके लिए मेहनत लगती है शुरुआत में कभी भी किसी भी चीज को जब शुरू किया जाता है तो उसमें मेहनत लगती है मेहनत ज्यादा होती है और रिटर्न कम होता है दिस इज द इक्वेशन विच फॉलोज आपकी 99% नाइन परसेंट मेहनत होंगी नाइनटी 99 नाइन पॉइंट नाइन 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 परसेंट मेहनत होगी और, और रिटर्न जो होगा उसका वो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट होगा लेकिन धीरे धीरे करके ये रेशियो बदलता जाता है और एक समय आएगा जिसको हम कह सकते हैं सत्यु की सृष्टि का समय जो हमारी मेहनत शायद यह हमारा पुरुषार्थ तो नहीं कहूंगी इतना हमारे अंदर धारण हो जाएगा कि हमारी मेहनत पुरुषार्थ जाएगा और हंड्रेड परसेंट सिर्फ रिटर्न रहेगा बट इट इज एन इक्वेशन बिटवीन पुरुषार्थ एंड रिटर्न संगम युग में हम हंड्रेड परसेंट पुरुषार्थ से सत्योगी हंड्रेड परसेंट रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन हमेशा ये इन दोनों के बीच का रेशियो होता है जो ऊपर नीचे होता है तो कुछ बातें स्थिति बनाने में हमें समझनी चाहिए जो हमेशा हमें अटका देती है कुछ बातें जिसका हम ध्यान रख सकते हैं पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात ये है इज टू गेट स्टक इन द रिटर्न हम क्या करते हैं हमारी ये टेंडेंसी होती है बाबा कहते हैं ना कई सालों तक आप देवता रहे हो और वो रहने की आपको इतनी आदत है कि प्रालब्ध में जीने की आदत हो गई है एक्चुअली पूरा युग ही पूरा कल्प भी अगर हम देखें तो एक तरह की प्रालब्ध में हम जीने की हम आदि रहे हैं जिसके कारण क्या होता है सपोज करिए आज मैंने चार घंटे योग का पुरुषार्थ किया चार घंटे योग का पुरुषार्थ किया कल क्या परसों क्या महीने भर तक किया अब उसका रिटर्न आने लगा उसका रिटर्न आने लगा मतलब जैसे होने लगा मैं सिद्धि स्वरूप बन गई या ज्ञान के पॉइंट्स एकदम टपक रहे हैं बुद्धि में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है स्थिति ऊंची जा रही है उड़ रही हूँ धीरे धीरे क्या होगा क्योंकि हमारी टेंडेंसी है टू बी रिलैक्स टू बी इजी मेहनत नहीं लगे उस तरफ बढ़ने की जो हमारी टेंडेंसी है उसमें क्या होता है कि हमारा रिटर्न की तरफ लगाव जुकाम हो जाता है हमारा चिंतन रिटर्न की तरफ चलने लग जाता है रेदर देन पुरुषार्थ तो अब हम क्या करते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं उड़ना इंजॉय कर रहे हैं सिद्धि स्वरूप रहना एंजॉय कर रहे हैं ऊंची स्थिति अब उस रिटर्न से हमारा अटैचमेंट हो जाता है अब हम कुछ भी करते हैं कि हमारी स्थिति नीचे ना जाए लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि वो जो रिटर्न हमें मिला था वो एक्चुअली पुरुषार्थ का रिटर्न था तो पुरुषार्थ को समय छोड़ करके रिटर्न से अटैचमेंट रख लेते हैं और रिटर्न से अटैचमेंट होने के कारण जो चीज वो रिटर्न क्रिएट कर रही थी उस चीज से हम किनारा कर लेते हैं जो निर निरंतरता हमने शायद अपने योग में रखी हो जो निरंतरता हमने हमारे ज्ञान मनन चिंतन में रखी हो उस चीज को भूल करके अब हम रिटर्न कॉन्शियस हो जाते हैं रिटर्न की तरफ ही हमारा ध्यान चलने लग जाता है और धीरे धीरे करके क्योंकि वो पुरुषार्थ जिसने ये रिटर्न क्रिएट किया था उस पुरुषार्थ को भूल जाने के कारण या उसमें समय नहीं बिताने के कारण धीरे धीरे हमारा रिटर्न कम हो जाता है क्योंकि रिटर्न इज अ रिजल्ट ऑफ पुरुषार्थ जैसे कि बताया विशेषता देखना कुछ समय में ऐसा हो जाएगा कि आपको विशेषता ही विशेषता दिखने लग जाएंगी बहुत कम होगा कि आपको शायद विशेषता नहीं दिख रही हो दिखने लगे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेकिन क्यों अगर हम ये करने लग गए विशेषता ही देख रहे हैं मेहनत नहीं कर रहे पुरुषार्थ नहीं कर रहे लेकिन जो रिटर्न आया उसको खा रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं तो जो हमने फर्स्ट टाइम विशेषता देखने का पुरुषार्थ किया था एक्चुअल में डिसकंफर्ट में जाने का पुरुषार्थ किया था कुछ नवीनता अपनाने का पुरुषार्थ किया था दृढ़ संकल्प रखा था हिम्मत रखी थी उस चीज को भूल करके अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिटर्न को एंजॉय करने लग जाते हैं तभी भी हमारी स्थिति डगमग होने लग जाती है बिकॉज स्थिति जो रिजल्ट है उसका फ्यूल है पुरुषार्थ स्थिति जो रिजल्ट है उसका फ्यूल है पुरुषार्थ पुरुषार्थ को भूल कर हम स्थिति एंजॉय करने लग जाते हैं जिससे कि वो जो रिजल्ट है वो डगमग होने लग जाता है अनदर थिंग इज जब हम तीसरी आंख की बात करते हैं थर्ड आय कि हमें हमारी तीसरी आंख को यूज करना है तो उसमें सबसे बड़ा विघन जो बात बनती है वो ये होती है दैट वी कट आवर सेल्स फ्रॉम द सस्टेनेंस सिस्टम हम अपने आप को पहले भी एक क्लास किया था यज्ञ एक सस्टेनेंस सिस्टम के ऊपर हम अपने आप को सस्टेनेंस सिस्टम से कट कर लेते हैं अब हम जो भी जुड़े हैं या जो भी सुन रहे हैं हमें ये तो पता है कि हम थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से अनकन्वेंशनल है ये होने के कारण हो सकता है कि जहां पर हम अपनी क्लासेस कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो हम थोड़ा सा अपने आप को अलग अनुभव करें और अलग अनुभव करने के कारण कई बार क्या होता है कि हम दूसरों से या अपने बड़ों से या जिसको भी हम निमित्त समझते हैं उनसे अपनी बात शेयर नहीं करते हैं और बात शेयर नहीं करने के कारण क्या होता है वो बातें सारी हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है कि क्योंकि क्या कर लिया सारा बोझ हर डिसीजन का बोझ हर निर्णय लेने की हिम्मत स्वयं से ही हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं इंस्टेड के हम अपने बड़ों से पूछें इंस्टेड के हम डायरेक्शन ले लें हम स्वयं से हर कर्तव्य करने लग जाते हैं और उसमें क्या होता है हम सोचते हैं कि शायद हम बाबा से ले रहे हैं बाबा से पूछ तो रहे हैं बाबा बता रहा है बाबा करा लेगा बात ठीक है लेकिन हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि हम अभी संपन्न संपूर्ण नहीं बने हैं। हम फरिश्ता नहीं बने हैं इसके कारण अभी भी हमारे अंदर डायरेक्ट कनेक्शन को निरंतर रखने की स्थिति अचीव नहीं हुई है जिसको बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था वो हमने अचीव नहीं किया डेफिनेटली हम वहां बढ़ रहे हैं डेफिनेटली हम हर रोज उस डायमीटर को बढ़ाते जा रहे हैं जिसको हम कर्मातीत होने में यूज करेंगे बढ़ रहा है वो डायमीटर बट दैट डजेंट मीन कि हम आज ही बन गए हैं कर्मातीत तो उसके कारण क्या होता है कि हम अपने आप को जहां से हमें थोड़ा डायरेक्शन मिलना चाहिए हेल्प मिलनी चाहिए जिसको हम बता सकें शेयर कर सके ताकि हमारा माइंड क्लियर हो शांत हो उससे हम अपने आप को कट कर लेते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें डायरेक्ट पता चलना चाहिए क्यों नहीं बाबा हमें डायरेक्ट बताता है बाबा बता रहा है लेकिन स्थिति ऊपर नीचे होने के कारण या इतनी सारी बातें दिमाग में घूमने के कारण हम कभी कभार जो बात है उसको नहीं देख पाते हैं समझ नहीं पाते बट द मोमेंट वी शेयर इट टू समवन ऐसा भी नहीं है कि सामने वाला हमें कुछ सुझाव ही देगा नहीं लेकिन जिस दिन हमने सुना दिया किसी को और हमारे मन को लगा हां सुन लिया गया है उस दिन वो खाली होने लगता है बुद्धि खाली होने लगती है और उसमें स्पेस बनता है कि वो रिसीव कर सके क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एज हमारे यज्ञ में हमारे इस ज्ञान में हम बाबा के दिखाए रस्ते पर चल रहे हैं अपने मत पर हम नहीं चल रहे बाबा जो कह रहा है हम वो कर रहे हैं लेकिन जो बाबा कह रहा है वो सुनने के लिए आज में यही प्रॉब्लम है बाबा साकार में नहीं है बाबा अव्यक्त है तो बाबा की बात को सुनने के लिए अव्यक्त स्थिति जरूरी है और वो स्थिति कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं हो सकती है कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए अपने अंदर चल रहे बहुत सारे थॉट्स को खत्म करने के लिए हमें दूसरों से शेयर कर लेना चाहिए अपने आप को अकेला करके मैदान में लड़ना नहीं है कब शेयर करना है जब आपको लगे कि आपको नहीं जवाब मिला आपने एक दिन ट्राई कर लिया दो दिन ट्राई कर लिया छोटी छोटी बातें हैं एकदम छोटी छोटी बातें अगर आपको लगता है तो ठीक ऐसा भी नहीं है कि हम हर पल ही शेयर करते रहे हर बात ही पूछे नहीं थोड़ा एफर्ट मारे लेकिन थोड़े एफर्ट में अगर हमें नहीं लग रहा है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है पूछ लेना है पूछ लेना है क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए ये भी ना पूछना चाह रहे हो तो बता दें कि ये चल रहा है ये चल रहा है कीप शेयरिंग ये चल रहा है हमारे जीवन में ये चल रहा है ताकि ये सारी बातें जो हमारे चल रही है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो जाए जरूरी नहीं है आपको कोई भी जो निमित है वो डायरेक्शन ही देगा और जरूरी नहीं है आपको डायरेक्शन की जरूरत है हमें जवाब कई बार पता होते लेकिन वो एक जवाब इतने सारे जवाबों के बीच में होता है

लेकिन कई बार हो सकता है ऐसा हो जाए कि सब भी काम नहीं कर रहा हो तो इट्स बेटर हम बता दें हम शेयर कर लें शेयर करके हल्का कर दे बाबा ने एक मूल्य में बोला है आ, 1969 की ये मूल्य है जो हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश में बाबा ने ये बात बोली थी कोई बात को मन में नहीं रखो उसको निमित्त को बता दो खत्म करो मन में रखने से बात बढ़ जाती है बताने से बात खत्म हो जाती है उसको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा उसको एक नजरिया मिल जाएगा उसको एक एंड मिल जाएगा फुल स्टॉप मिलने की आशंका वहां बढ़ जाएगी कि वो हमारे मन में ही घूम रही है घूम रही है घूम रही है और हम उसको लेके चल रहे हैं लेके चल रहे हैं नहीं हम जवान है हमें करना है हमें हम, हम जवान है मना हम सरहद पे खड़े जवान है वी हैव टू फाइट दिस नो दिस इज नॉट आवर अलोन बैटल एक माया से लड़ाई हमारी कभी भी अकेले लड़ाई नहीं है कभी भी हमारी लड़ाई माया से अकेले नहीं है ये हम सब की लड़ाई माया के साथ है हम सब मिल करके लड़ रहे हैं सूक्ष्म रीति में हमें संगठन का बल तो मिल ही रहा है चाहे आप मांगो या ना मांगो इट इज कमिंग टू अस जैसे ही जहां पर भी कोई डिप्रेवेशन होता है कहीं पर भी कुछ कमी होती है संगठन का बल जाकर के उसको भरता है आप कुछ नहीं कर सकते हो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली तो वर्क लेकिन जहां लगता है उलझन है कंफ्यूजन है नहीं पता क्या करें या पता भी है हिम्मत नहीं है बहुत सारी बातें होती हैं। तो बता करके बात खत्म करो अगर आपको लगता है कि हम इनको नहीं बता सकते तो आप किसी ऐसे को बताओ जिनको बता सकते हो जिनको आपको लगता है कि मेरी बात सुनेंगे और शायद मेरी बात समझेंगे ऐसे को बता दो लेकिन बता दो विस्तार में सब बता करके खत्म कर दो में चाहो तो लेटर भी लिखो लेकिन लेटर अगर आपको हेल्प नहीं कर रहा है इतना ज्यादा डिसकनेक्शन हो गया है इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया तो बता दो अनदर बुद्धि को यूज कर रहे हैं अपने थर्ड आई को यूज कर रहे हैं इन दो आंखों की जगह तीसरी आंख को यूज करके इन दो आंखों को डायरेक्शन दे रहे हैं जब ये काम कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है वो ये है कि हमारे आसपास जो भी चीजें काम कर रही हैं जो भी शक्तियां काम कर रही हैं उन शक्तियों का एक पैटर्न है जब हम सतयुग में होंगे तो हमारी दृष्टि से या हमारे संकल्प से काम होगा लेकिन वो कैसे होगा अगर मैंने संकल्प में सोचा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक घर बनना चाहिए महल बनना चाहिए ये महल ऐसा होना चाहिए जैसे ही मेरी बुद्धि में मेरे मन में वो डिजाइन क्लियर होगी प्रकृति दासी होने के कारण वो काम कर देगी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड आज अगर मेरी बुद्धि में कोई बात क्लियर होती है सपोज मुझे पता है चाय कैसे बनानी है तो मैं ये शरीर जाकर करके वो चाय बनाता है इस शरीर को डायरेक्शन मिल जाता है कि इस तरीके से इसको चाय बनानी है और ये शरीर मेरा सहयोगी होकर के चाय बनाता है मैं नहीं बनाती हूँ मुझे आत्मा ने तो सिर्फ ये बात सोची है मन और बुद्धि के द्वारा कि चाय को बनाने का प्रोसेस ये है उसके बाद में शरीर वो काम को मैनिफेस्ट करता है ये बात हमने एक और तरीके से सीखी थी कि सपोज करो ड्राइव करना है और हमें हमारे ऑफिस से घर पहुंचना है और ऑफिस से घर पहुंचने का रास्ता हर रोज का सेम है हर रोज का सेम होने के कारण अब मैं नहीं चला रही हूँ गाड़ी अपने आप शरीर गाड़ी चला रहा है और हमें वहां तक तो पहुंचा रहा है हाथ मुड़ रहे हैं गियर चेंज हो रहे हैं ब्रेक लग रहा है रेस और लग रही है एक्सलेटर चल रहा है सब कुछ हो रहा है वहां पर मेरा होना या नहीं होना बराबर ही है आई एम नॉट बींग यूजफुल देयर क्योंकि संस्कार शरीर मिल करके वो सारा काम कर रहे हैं तो उसी तरीके से आज के समय में अगर मुझे घर बनाना है तो अगर वो मेरे मन में क्लियर है तो शरीर उस काम को प्रत्यक्ष करने में लग जाता है मैनिफेस्ट करने में लग जाता है सत्युग में जब मेरे संकल्पों में बात क्लियर होगी क्लैरिटी होगी तो प्रकृति दासी होने के कारण वो काम करने लग जाएगी संकल्पों से ऐसे वहां काम होंगे। लेकिन आज इसी इसीलिए हमें बात समझनी है कि हर चीज का दृश्य मुझ आत्मा की बुद्धि में क्लियर होना चाहिए और वो दृश्य क्लियर करने के लिए और जैसे कि कल बताया इस इन दो आंखों को डायरेक्शन देने के लिए हम बुद्धि में ज्ञान को यूज करें उस यूज करने का तरीका एक और है जैसे कि मैं भी शेयर कर रही हूं आप लोगों के सामने इससे कुछ आइडिया मिल सकता है आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्लीज मेरी ड्राइंग को माइंड मत कीजिएगा लेकिन द इज कि जैसे कि फर्स्ट वाला इमेज जो आप देख रहे हैं उसमें शिव बाबा है और नीचे में मैं हूँ और इज अ मतलब मैंने एक एक मेरे घेरा बनाया है और शिव बाबा से मुझ तक किरने आ रही है मेरे तक शक्तियां आ रही है और मेरी सारी नेगेटिविटी शिव बाबा सक कर रहा है जब मैंने ये दृश्य बनाया हो सकता है मन में मैं क्लियर नहीं बना पा रही हूं मेरा मन इतना एकाग्र नहीं रह पा रहा है कि वो विजुअलाइज कर सके बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रही है कि कि वो कर सके कि कि किस तरीके से मुझे बाबा से लेना है तो क्या करना होता है उस समय में कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और एक प्रोसेस बना लो कि किस विधि से आज मुझे बाबा से कौन सी चीज को धारण करना है हो सकता है वो शांति की शक्ति हो दुख को हरने वाली सुख की शक्ति हो सुख शांति हो और दुख शांति मुझे खत्म कर रही है सुख शांति को पा करके तो जैसे ही हम ये चित्र बनाते हैं और इस चित्र को बना करके, अब इस चित्र के आधार पर हम ये चित्र क्या टेम्पलेट हो गया इस टेम्पलेट के आधार पर अब हम उन शक्तियों को डायरेक्शन दे रहे हैं संकल्पों के द्वारा तो आप फील करेंगे वो फ्लो फ्लो होना शुरू हो जाएगा शक्तियां हमारे कहने पर हमारे कमांड के द्वारा काम करने लग जाएगी, अनुभूति होगी कि मैं आत्मा शिव बाबा से इस तरीके से ले रही हूँ और अपनी नेगेटिविटी को छोड़ रावण की नेगेटिविटी को छोड़ती जा रही हूँ जैसे कि सेकंड नंबर का चित्र है लेफ्ट में डाउन वाला उसमें बूम है बूम में मैं आत्मा शिव बाबा के गर्भ में हूँ और गर्भ में बाबा से मुझे यूजुअली अम्बिलिकल कॉर्ड से हमें खाना मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है सब मिलता है जब शिशु गर्भ में होता है तो, के मिल होती है। तो यहां मैं आत्मा शिव बाबा के साथ इस अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हूँ और टोटली सब कुछ मिल रहा है मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा सब कुछ मिल रहा है इस वो में, में प्रोटेक्टेड हूँ तो अपने संकल्पों को एक स्ट्रक्चर देना एक देना भी बहुत जरूरी है। जब हम ये करने लगते हैं, तो हमारी बुद्धि को एक चित्र चित्र मिलता है, जिस चित्र के ऊपर उसे एकाग्र होना है जब वो इस चित्र पर एकाग्र होती है बुद्धि एकाग्र होती है तो मन अनुभूति करता है तो अगर हमारा कभी हमें समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे किस तरीके से तीसरी आंख को यूज करके आज दिन भर कार्य करना है तो इस तरीके से अपने आसपास हम डायरी पेन रख सकते हैं और किसी भी विधि को जिस भी विधि से हम रिसीव करना जैसे हम चल रहे हैं खा रहे हैं तो उस पिक्चर को बना लीजिए कॉपी पेन पे कॉपी कॉपी पर पेन के द्वारा बना लीजिए कि मैं बैठी हूँ सिंपल सिंपल स्केच मैं बैठी हूँ ऐसे बाबा सर के ऊपर चमक रहा है और मेरे सामने भोजन है और भोजन शरीर को पोषण दे रहा है और बाबा की किरणें आत्मा को पोषण दे रही है और इस तरीके से शक्तियां फ्लो कर रही है लेते हैं हाथ से क्रिएट कर लेते हैं तो बुद्धि का उस पर एकाग्र हो जाना बहुत इजी हो जाता है बहुत इजी हो जाता है थिंग इज़ जो बाबा ने हमें बहुत पहले सिखाया है स्वमान लिखना किसी भी चीज को लिखना लिखना बना जैसे मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ या मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ या मैं बहुत वरदानी मुहूर्त हूँ जो भी बातें हैं लिखने से क्या होता है अगर आप जब लिख ट्राई करिएगा जब आप लिखते हैं तो लिखते लिखते आप उसको पढ़ भी रहे होते हैं तो आपके हाथ चल रहे हैं और मन में वो बात रिपीट हो रही है तो अब मन के पास स्पेस नहीं बचता है कि वो कुछ और सोचे किसी और जगह पर उसका ध्यान जाए ये मन कर नहीं सकता क्योंकि मन जो बोलने में हमेशा बिजी रहता है अभी वो स्वमान बोल रहा है नहीं तो क्या होगा अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो आप देखोगे मन बोल रहा है और बुद्धि भटक गई है उसकी कोई चित्र मास्टर शेषक्ति मास्टर, मास्टर और चीजें दिख रही है किसी का चेहरा दिख रहा है किसी का क्या दिख रहा है अगर मन और बुद्धि दोनों को एकाग्र एक समय में करना है तो वो लिखने का अभ्यास है जैसे ही हम लिखते हैं आप करके देखिएगा सोने से पहले कोई भी सिंपल एक सवाल मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ चलो यही ले लीजिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ जैसे आप उसको लिखना शुरू करेंगे तो लिखते लिखते आपका मन बोलेगा भी उसको बोलना ही पड़ेगा और जब वो बोल रहा होगा तो वो कुछ और नहीं बोल पाएगा तो उस समय में कोई और संकल्प के उठने का चांस बहुत कम हो जाता है और थोड़े समय के लिए मन एकाग्र होने के साथ साथ हम बाबा की श्रीमत भी पालन कर रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो बाबा की ही भाव वाक्य हैं तो मन को शक्ति मिलने लग जाती है और धीरे धीरे मन शक्ति को भरने के कारण शक्तिशाली हो जाता है तो ये सारे अभ्यास हैं जिसके थ्रू जैसे कि बताया तीन चार अभ्यास जिससे कि हम अपने आप को पुनः एक श्रेष्ठ स्थिति में ले जा सकते हैं श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने के ये कुछ अभ्यास हैं। हम करके देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं एक हो गया समान लिखना एक हो गया चित्र बनाना एक हो गया शेयर करना एक हो गया रिजल्ट से डिटैच होकर के पुरुषार्थ करना ऐसा नहीं कि हम रिजल्ट में अटक जाए नहीं जो पुरुषार्थ जो विधि थी विधि पर ध्यान देना और सिद्धि अपने आप अप हो जाएगी ना कि सिद्धि से अटैचमेंट हो जाना तो इन सभी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और कुछ ना कुछ इसमें से प्रयोग करते रहेंगे बुद्धि रूपी तीसरी आंख को यूज करना इन सारी शक्तियों को एक दिशा देना इनको खाली नहीं छोड़ देना इनके ऊपर लगाम कसे रखना इससे हमारा मन बुद्धि शक्तिशाली होगा और आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं जहां पर इतना भटकन है लोग इतना भटक रहे हैं उसमें हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करते रहना प्लीज भी शेयर करें आप जिससे भी कंफर्टेबल फील करें शेयर करें शेयर करने से मन हल्का होता है इतना भी नहीं ओवर शेयर करें आप करिए मतलब सुनाइए, किसी को बता दीजिए ताकि आप हल्के हो जाए और वहां से अगर अगर आपको कुछ समय तक नहीं पता चल रहा है क्या करना है तो बता दीजिए हल्के हो जाइए अपने आप बाबा निमित्त के द्वारा आपको डायरेक्शन दे देगा और आपको पता चल जाएगा क्या करना है या आप हल्के हो जाओगे तो आपको अपने आप टच हो जाएगा कि आपको क्या करना है तो इन सारी चीजों को अगर हम यूज करते रहेंगे सिस्टम एक system है हमारे सस्टेनेंस का उस सिस्टम हम पालन करते रहेंगे तो बहुत आसानी बहुत आसानी से हमारा ब्राह्मण जीवन निकलेगा नहीं तो वो चीज जो बहुत आसानी से प्राप्त करनी थी बहुत मुश्किलात से प्राप्त होने के कारण कहीं ना कहीं हिम्मत टूट जाती है हिम्मत को नहीं तोड़ना है हिम्मत रखे रहे हम उसके लिए हमें कहीं ना कहीं जीत को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जीत को हासिल करना पड़ता है अगर हम बार बार हार रहे हैं तो हिम्मत टूट जाती है हिम्मत बने रहे इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे कुछ ना कुछ विधि अपनाते रहे ताकि हमारी हिम्मत ना टूटे हिम्मत टूट गई तो अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे बाबा का भी हेल्प नहीं मिल पाएगा तो इन सब बातों को ध्यान रखें हम देखते हैं हमारे पुरुषार्थ में और कितना आगे बढ़ते हैं अच्छा सभी को ओम शांति हम दो में छह बाबा को याद करेंगे ओम शांति